हाय एवरीवन, आज आपको मैं कुछ मतलब डांस के स्टेप नए पढ़ाने वाली हूँ, जो कि हम मतलब जो लावणी है उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, अदर जो सॉन्ग है उस पर भी हम यूज़ कर सकते हैं आज के स्टेप। हमारे साथ दो फ्रेंड्स थे, ये है वंशिका और ये है तमन्ना। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नए स्टेप नए सॉन्ग के लिए। ठीक है, देखिए पहला स्टेप आपको क्या है, ये जो आपका राइट पैर है, राइट पैर सामने लेना है और लेफ्ट पैर पीछे लेना है, और ये दोनों पैर को हमें क्या करना है, टैप करना है। फर्स्ट पैर अप, देन लास्ट वाला पैर अप करना है। ठीक है, राइट लेग अप, देन लेफ्ट लेग अप। ठीक है, ये स्टेप 1 2 1 2 1 2, ये हमें ऐसे करना है, यही स्टेप हमें और फास्ट से करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया? अभी देखो ये कैसे स्टेप करना है, फास्ट फास्ट करना है। ठीक है, 1 2 3 then 4 5 and 6, समझ में आया? ये स्टेप होने के बाद में आपको सेम यही स्टेप करनी है, 1 2 यही स्टेप करनी है, लेकिन ये स्टेप करते करते हमें 4 ही डायरेक्शन में आपको सर्कल रहना है इस तरह से। ये साइड लेफ्ट साइड में आपको 4 टाइम्स करना है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, अभी राइट साइड में आपको 4 टाइम्स लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, अभी बैक साइड पे लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, अभी फ्रंट मतलब सामने आना है। ठीक है, 1 2 3 4, आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, फिर से हम यही स्टेप करेंगे। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4, देन 5 6 7 8, 1 2 3 4, 5 6 7 8, समझ में आया? चलो अभी फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप दोनों कंबाइन करते हैं। ठीक है, चलो करो, फर्स्ट स्टेप 8 टाइम और सेकंड स्टेप लेफ्ट राइट 8 टाइम एंड बैक फ्रंट 8 टाइम। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इधर ये साइड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी बैक साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी फ्रंट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना समझ में आया? इसके बाद हमें क्या करना है, राउंड हो गए, राउंड होने के बाद में हमें क्या करना है, ठुमका लगाना है। ठीक है, क्या करना है, ठुमका लगाना है। ठुमका कैसे लगाना है, दोनों पैर में डिस्टेंस होने चाहिए, डिस्टेंस लिए सभी ने, डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस लेने के बाद में जो लेफ्ट पैर है उसको टो के ऊपर अप करना है। ठीक है, और दोनों हाथ हमारे कमर के ऊपर, ठीक है, कमर के ऊपर हाथ लगाया, फिर 2 टाइम ठुमके देना है, 1 then 2। ठीक है, अभी राइट साइड में राइट वाला पैर टो के ऊपर ऊपर करना है, फिर ठुमके लगाना है 2 बार। चलो, 1 2 लगाए, अभी यही स्टेप हमें इस साइड में 4 बार और राइट साइड में 4 बार करना है। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना समझ में आया? अभी इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में स्टेप है, ये जो हमारा कमर है इसको रोटेट करना है,
सर्कल घुमाना है और फिर ठुमका लगाना है 2 टाइम। ठीक है, चलो करो। फर्स्ट स्टेप 1, लेफ्ट साइड, फिर फ्रंट साइड 2, फिर राइट साइड 3, देन बैक साइड 4, अगेन लेफ्ट, फ्रंट, राइट, बैक, देन ठुमका। ठुमका देना है कितने टाइम? 2 बार। ठीक है, फिर से करेंगे। 1, लेफ्ट, फ्रंट, राइट, बैक, फिर लेफ्ट, फ्रंट, राइट, देन 1, 2। ठुमका लगा दिया। फिर उसके बाद में जहाँ पे ठुमका लगाया है वहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 2 टाइम हमें ठुमका देना। अभी यही स्टेप फिर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अभी इस साइड से, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिए। अभी ये हमें सर्कल से करना है, 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, ठीक है, 2 टाइम करना है। फिर से करेंगे यही स्टेप, 1, 2, 3, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, ठीक है, फिर से बताओ, नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से, आप दोनों को समझ में आया? ठीक है, फिर से एक बार बता दे रही मैं, ठीक है, फिर से 1, 2, 3 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, समझ में आया इतना? इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारी कौन सी है? दोनों पैर में डिस्टेंस ही लेना है, फिर हमें लेफ्ट हैंड हमारे फेस के साइड में लेना है, ठीक है, उसके बाद में ये जो राइट हैंड है इसको ऐसे रखना है, इस तरह से रखना है, ठीक है, फिर ये हाथ यहाँ पे आने के बाद में हमें 2 बार ठुमके लगाने, ठीक है, 1, 2, ठीक है, और ये हमारा पैर जो है लेफ्ट वाला, इसको टो के ऊपर ऐसे खड़े करना है, ठीक है, फिर 2 टाइम ठुमका, 1, 2, फिर टर्न होना है, टर्न होके राइट साइड में ठुमके लगाना है हमें 2 टाइम, 1, 2, ठीक है, इतना समझ में आया? जब हम राइट में से लेफ्ट को टर्न होते हैं तब हमें कैसे होना है, ये जो पैर में डिस्टेंस है ना वो ऐसे क्रॉस करना है, मतलब ऐसे पास आकर उसको हमें चेंज करनी है पोजीशन लेगो की, ठीक है, फिर से 1, 2, 3 स्टार्ट किए, 1, 2, देन 3, 4, अगेन 5, 6, 7, 8, समझ में आया इतना? ठीक है, इसके बाद में क्या है स्टेप, ये फिंगर है, 4 फिंगर, 4 फिंगर को हमें ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ये राइट हैंड के 4 फिंगर ऐसे खड़े रखना है और लेफ्ट हैंड से इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ठीक है, पकड़ने के बाद में हमें क्या करना है, झुकना है, ठीक है, झुकने के बाद में हमें क्या करना है, ये पैर फर्स्ट स्टेप पढ़ाए थे हमने, ये ऐसे करनी है, ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे से हमें ऊपर तक 8 काउंटिंग में लेना है, ठीक है, फिर से करेंगे, रेडी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमारे हेड के ऊपर हैंड आना चाहिए, ठीक है, ये हो गए, ये 2 टाइम करनी है, ठीक है, 1, 2, 3 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हो गई यहाँ तक। इसके बाद में हाथ को छोड़ देना है, छोड़ने के बाद में 1, ठीक है, 1, ये टो के ऊपर रखना है हमारे लेग को, 1, ऐसे करना है फ्लावर जैसा, 1, देन 2, ठीक है, 3, 4, फिर
वन राउंड लेना है, ठीक है? फिर से बताती मैं, वन टू थ्री स्टार्ट, वन टू देन थ्री फोर, फाइव स्टेप में राउंड फाइव, ठीक है? दोनों को भी समझ में आया, आपको भी समझ में आया आई होप, ठीक है? फिर से एक बार यही स्टेप आपको बताऊंगी, ठीक है? लास्ट वाली स्टेप, ठीक है बेटा? वन टू थ्री स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट पे आ गए हम। अभी ये जो जितने भी स्टेप अभी आपको बताया है मैंने, ये स्टेप अभी हमें म्यूजिक पे करना है। जो डांस अभी हमने बताया, ये आप कौन से भी डांस फॉर्म में ये यूज़ कर सकते हो। सिंपल ही है, जस्ट म्यूज़िक है। म्यूज़िक पे हमें ताल पर, जब ताल होता है उसी ताल पर हमें वो ठुमके लगाना पड़ते हैं। अगर बेताल हो गए तो वो फिर मैच नहीं हो जाएगा। अगर आप कहीं पर भी कॉम्पिटिशन में जाए तो जाने के बाद में जो ताल होता है सॉन्ग का और आपका जो बीट होती है वो मैच होना चाहिए। अगर वो मैच हो गया तो आप समझो सिलेक्शन हो गया, अगर नहीं हो गया तो आपको फिर वो प्रैक्टिस करनी है। यही प्रैक्टिस के लिए आज हमने ये ठुमके का आपको ये डांस फॉर्म बताया है कि मतलब जो म्यूज़िक है और जो हमारा स्टेप है वो मतलब देखो एकदम मैच हो रहा है, उसी तरह से आपको भी मैच करना है और आपको भी सीखना है कि डांस क्या है और कैसे सीखना है, ठीक है? थैंक यू।